हाल जी रीते माहिती मळी रही छे ते अनुसार नितिन भाई पटेले खास मुलाकात ले लीधी छे। यूएन मेहता होस्पिटल नी मुलाकात लेवामां आवी। जे रीते स्थिति कोरोना नी छे तेमां अमदावाद मां कोरोना कहेरामनी वच्चे तंत्र हवे चिंता व्यक्त करी रह्युं छे। यूएन मेहता होस्पिटल मां अधिकारीओ साथे तेमणे बैठक करी आरोग्य अग्र सचिव, आरोग्य कमिश्नर, सुप्रिटेंडर सहित तमाम अधिकारी आ बैठक में हाजर रहा। अधिकारी पास समग्र स्थिति चितार मेळव्यो केम के कोरोना संक्रमण विश्व सहित देश सहित गुजरात अमदावाद में खूब सौथी वधारे वधी रह्यु छे। तेवामां तेमणे आ हॉस्पिटल की मुलाकात लीधी अने समग्र जे परिस्थिति छे तेनो चितार लीधो। प्रभु ने प्रार्थना करता पण ते नजरे चढ़या के स्थिति ने वसणती रोकवामां आवे, प्रभु मदद करे। खास नितिन भाई पटेल पहुंचा था आ हॉस्पिटल की मुलाकाते अने समग्र स्थिति केवी छे, केवी रीते दर्दियों ने सारवार आपवामां आवे छे, बेड नी स्थिति शुं छे, ऑक्सिजन दवाओ तमाम जे माहिती छे ते तेमने मेळवी हती। वधु माहिती साथे भावेश आपणी साथे जोडाया छे। जी भावेश, जे रीते खास मुलाकात लीधी नितिन भाई पटेले हाल हॉस्पिटल नी, क्या प्रकार नी आ बैठक नी अंदर चर्चा थई छे? खास करीने वात करीए तो जे प्रकारे कोरोनाना केस अमदावाद शहेरमां वधी रह्या छे अने कोरोनाना केस वधता हॉस्पिटलमां जे बेडनी संख्या छे ते बेडनी संख्या पण फूल थई रही छे, त्यारे आ तमाम बाबतोने लईने अमदावादनी यूएन मेहता हॉस्पिटलमां कया प्रकारे बेडनी व्यवस्था वधारी शकाय तेने लईने उच्च स्तरीय बैठक योजवामां आवी हती। जे बैठकमां गुजरातना नायब मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल सहित यूएन मेहता हॉस्पिटलना सुप्रिंटेंडेंट सहितना अधिकारीओ अने कर्मचारीओ जोड़ाया हता अने खास करीने तमाम बाबतोए अत्यारे चर्चा करवामां आवी छे। थोड़ी वारमां मुख्यमंत्री पोते आईने प्रेस कॉन्फरन्समां जाहेरात करशे के तेमणे कया प्रकारनी चर्चा करी छे अने शुं निर्णयो लेवामां आव्या छे। एक तरफ कोरोनानी वकरती स्थिति छे अने जेमां वात करीए तो 1200 बेड सिविल हॉस्पिटल होय के पछी अन्य अमदावादनी हॉस्पिटलो होय, ए हॉस्पिटलोमां जे व्यवस्था छे, व्यवस्था कई रीते वधारी शकाय, વધુમાં વધુ કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓને કઈ રીતે સારવાર આપી શકાય, તે તમામ બાબતોએ ચર્ચા કરવામાં આવી છે। ત્યારે ચર્ચાના અંતે કયા પ્રકારના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે તે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી થોડી વારમાં જાહેર કરશે। જી ભાવેશ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આભાર।